बड़ा डिप था, झड़ांग करके कार यहाँ पे गई। रास्ते का एक्सपीरियंस तो आप जानते ही हैं, उबड़ खाबड़, थोड़े अच्छे, थोड़े टेढ़े, थोड़े मेढ़े। ये है धारवाड़ रामनगर वाला टोल रोड, गोवा की तरफ जाता है। देखते हैं आगे रास्ता कैसा होगा। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। So, fingers crossed, ये रास्ता अच्छा हो, क्योंकि लास्ट टाइम जिस रास्ते से हम गए थे अमोली घाट वाला, वो रास्ता बहुत खराब था। शुरुआत में रास्ता बहुत खराब था, आप देख सकते हैं रास्ते में इतने पत्थर थे कि मैं 15 मिनट तक बैलगाड़ी के पीछे चला रहा था। तो जैसे कि आपने देखा, शुरुआती रास्ता तो बहुत खराब था, लेकिन अभी हमने यहाँ पे बात की तो उन्होंने बोला यहाँ से लेके आगे का रास्ता अच्छा है। उम्मीद यही है, लेकिन पता नहीं, देखते हैं। चलिए तो सैंडी, आपको क्या लगता है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी, उम्मीद यही है कि आगे का रास्ता अच्छा हो। आगे हम इस तरफ जा रहे हैं, ये है टोल। चलिए चलिए। तो कुछ देर तक तो रास्ता बहुत ही अच्छा था, जैसे कि आप देख सकते हैं रास्ते में घने पेड़, जंगल, प्यारे नजारे बहुत खूबसूरत थे। हाय सैंडी। हाय। तो आप रुके हैं अभी दिन की पहली चाय पीने? आज का पहला ब्रेकफास्ट। ये कौन सा जगह है? ये नागर गली। अच्छा, नागर गली है। तो सैंडी अभी यहाँ पे पी रही है चाय, हमने पहला ब्रेक लिया है यहाँ पे। तो आप इधर ही रहते हैं आसपास? हाँ, इधर ही, घर विद होटल। अच्छा, घर विद होटल है। अच्छा, कुछ संडे वनडे कहीं घूमने जाते हैं? नहीं, 24। अच्छा, 24 आवर्स इधर ही रहते हैं। और ये आ गई सैंडी की पहली चाय। आइए सैंडी, आपकी चाय आ गई। सो सैंडी, फर्स्ट कप, कैसी लगी चाय? इट्स अदरक इलायची। अदरक इलायची जो आपको बहुत पसंद है। अच्छी है। क्योंकि सैंडी ने चाय पी तो हम पी रहे हैं अपने दिन की पहली कैपुचिनो। बट रियली टेस्ट गुड एंडी। सो आप, ये तो हाँ, कार में आप कार में आप लेस के दुकान खोल रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे लेस, वहाँ पे इतने सारे लेस, वहाँ पे कुरकुरे हैं। अच्छा, कुरकुरे, इसलिए आपका बैग इतना भारी होता है सैंडी। खाना बैग में, लोग बैग में पैसे लेके घूमते हैं, आप कुरकुरे और लेस लेके। तो नागर गली से चाय पीने के बाद हम निकल गए और रास्ते बहुत ही अच्छे थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि आगे रास्तों की हालत बद से बदतर होने वाली है। देखते रहिए क्या होगा आगे। यहां से शुरू होते हैं बहुत खराब रास्ते, जैसे कि आप देख सकते हैं रास्तों में इतने बड़े बड़े खड्डे थे, इतने बड़े बड़े खड्डे थे, ऐसा लग रहा था मैं BMW के साथ ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। ये रास्ते सेडान के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। और खड्डों के अलावा आप जैसे कि देख सकते हैं रास्तों में इतने पत्थर थे, तो रास्ता तो नाम का था, या तो खड्डे थे या तो कार को पत्थरों पे चलाना पड़ रहा था। अभी आप देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, कितने बड़े बड़े आ गई कार खड्डे में। और यहाँ पे आप देखें खड्डे हर जगह पे थे, तो कभी कार को लेफ्ट में ले जाओ, कभी कार को राइट में ले जाओ, कार कैसे बचाएं, बड़ा मुश्किल रास्ता था ये। अभी आप ये देखें मेरे आगे इतना बड़ा खड्डा था कि मैंने कार यहाँ पे रोक ही दी, क्योंकि अगर मैं इस खड्डे के अंदर से कार को निकालता तो मेरा शायद बम्पर टूट ही जाता या मेरी कार वहाँ पे फंस जाती, क्योंकि बहुत बड़ा खड्डा था। इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया और सामने वाली लेन को क्लियर होने दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा बेटर रोड था। मैं यहाँ लगभग पूरे 5 मिनट तक खड़ा रहा, मुझे याद है। सामने की लेन क्लियर हुई, उसके बाद मैंने धीरे धीरे साइड से कार को निकाला। तो चाय कॉफी हमने पी ली, लेकिन अब जो रास्ते हैं वो खराब होते जा रहे हैं। बड़े 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 खड्डे हैं रास्तों पे, और हम ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर हैं गोवा से। देखते हैं आगे क्या हाल होता है। सो सैंडी, आपकी क्या राय है खड्डों और रास्तों के बारे में? मैं तो हर सेकंड, हर मिनट यहाँ लेफ्ट खड्डा, राइट खड्डा देख देख के परेशान हो गई हूँ। I really hope आगे थोड़ा बेहतर। लेकिन जो जंगल वाला रास्ता था वो बहुत अच्छा था, एक खड्डा नहीं, आप आराम से आग बंद करके मस्के की तरह चला सकते थे। लेकिन अभी जो रास्ता है वो बहुत खड्डे वाला है। तो मैं यहाँ पे नीचे उतरा हूँ आपको दिखाने के लिए रास्तों की हालत। देखिए कितने बुरे रास्ते हैं, क्या हम इनको रास्ते बोल सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन खड्डों की हालत, जहाँ खड्डे नहीं वहाँ इतने पत्थर भरे पड़े हैं। और आप देखिए, अब मैं कार को यहाँ से निकाल रहा हूँ और ये इतना बड़ा डिप था, धड़ांग करके कार यहाँ पे गई। 3 बार उतर के मैंने यहाँ पे चेक किया था कि क्या मैं यहाँ पे कार को बिना नीचे टच किए उतार पाऊंगा या नहीं।
और फाइनली धीरे धीरे करके मैंने कार उतारी। देखिए अब फिर वापस मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ और फिर धीरे धीरे लेफ्ट लूँगा, क्योंकि हर जगह इतने खड्डे हैं और सारी कारों को ये करना पड़ता है, यहाँ पे कभी लेफ्ट जाना पड़ता है कभी राइट जाना पड़ता है। और क्योंकि मेरे कार का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है तो कई जगहों पर मैं ऐसे साइड में खड़ा हो जाता था और बाकी कारों को और ट्रकों को जाने देता था, क्योंकि मेरी वजह से उनकी स्पीड भी स्लो हो जाती थी। तो मैंने सारी कारों को और ट्रकों को जाने दिया और आप देख सकते हैं कैसे बुरे रास्ते हैं, कितने पत्थर हैं, टायर की क्या हालत हुई होगी, कार की क्या हालत हुई होगी, भगवान बचाए इन रास्तों से। तो इन रास्तों को देख के आई एम श्योर आपको पता चल ही गया होगा कि रास्तों की क्या हालत थी, और अगर आपके पास सेडान है तो आप किस तरह का ड्राइव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बुरे रास्ते थे, जैसे कि आपने देखा बड़े 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 खड्डे, बहुत ही डिफिकल्ट ड्राइव, कार नीचे टच ना हो, ये हाल है रास्तों का। कैसा रहा खड्डा सैंडी? जैसा मैंने एक मिनट पहले कहा था, बड़ा बड़े बड़े खड्डे। और आप ये भी देखिए, काफी सारे जो बाइक वाले थे वो भी खड़े खड़े बाइक चला रहे थे ताकि उनको खड्डों का इम्पैक्ट कम हो। और आप पीछे मेरे एक्सयूवी भी देख सकते हैं वहाँ पे, वो भी लेफ्ट राइट करके खड्डों से बच के निकल रही थी। तो बस पूरे रास्तों का ऐसा ही हाल था, पत्थर पत्थर खड्डे खड्डे, पत्थर पत्थर खड्डे खड्डे। उम्मीद करते हैं आगे रास्ता अच्छा हो, बट चलिए आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अभी बच रहे हैं दोपहर के 3 और हम 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया यहाँ पे। 3 बज चुके हैं, आपको भूख लगी है? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। मैं कह रहा हूँ एक बात बताइए, पूछिए, आपको रोड्स ने डिसअपॉइंट किया या खुश किया फिलहाल? अभी तक आई थिंक रास्ते अच्छे थे, लेकिन बीच बीच में इतने बुरे खड्डे, इतने बड़े बड़े, क्या बोलते हैं, रास्ता ही बीच में से गायब हो गया था। और आप देख सकते हैं मेरे कार का ग्राउंड क्लियरेंस कुछ ज्यादा ही कम है, तो बड़ी मुश्किल हुई वहां से नेविगेट करने में। आपने आपके वीडियोस में देखे भी होंगे कि कितनी मुश्किलात से नेविगेट किया है, तो उस हिसाब से रास्ते मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। तो आपकी अगर आपके पास सेडान है तो थोड़े यहाँ पे नेविगेट करने मुश्किल है, आपकी कार नीचे से टच हो सकती है, बस बहुत पत्थर है रास्ते में। अब हम लगभग गोवा के पास पहुंच चुके थे और थैंकफुली यहां से रास्ते बेटर हो गए, ना खड्डे थे ना पत्थर थे, बस सुहाने प्यारे रास्ते यहां से शुरू हो गए। So finally हम गोवा एंटर कर चुके हैं और अभी हमको जरूरत है चार्जर्स की, क्योंकि सारे फोनों की बैटरी डाउन। सो फाइनली हम गोवा एंटर कर चुके थे और बहुत खुश थे इन पथरीले रास्तों को पीछे छोड़ के। तो हमारा सबसे पहला प्लान था होटल में चेक इन करने का। सो गोवा ने भी मुंबई के ट्रैफिक की याद दिला दी। अच्छी खासी ट्रैफिक है यहाँ पे भी। शांगला आहे चनागिदे। शाम के 5:30 बजे थे और हम पैंजिम पहुंच चुके थे और सबसे पहले हम जाने वाले थे बागा के पास, जहाँ पे हमारा होटल है। Hey Sandy. Hi. Hi. So, आप पहुंच गए? कहाँ पहुंचे आप? रैडिसन पहुंचे। तो आपने तो वीडियो में देख ही लिया होगा, राइट? रास्ते कैसे हैं? रोड की क्या हालत है? जी। तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? बहुत बढ़िया। तो लेकिन फाइनली पहुंच गए। पहुंच गए। तो जैसा सैंडी ने बताया, हम सबसे पहले पहुंचे होटल रैडिसन। वहां पे जाके मैंने सबसे पहले कॉफी पी, क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा था इन गंदे टूटे फूटे रास्तों पे कार चला के। और उसके बाद सैंडी और मेरा प्लान था कि हम बाहर जाके कहीं अच्छा सा डिनर करें और गोवा के नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करें। तो हम निकल गए तलाश में एक अच्छी सी जगह की, जहाँ पे हम डिनर कर सकें। तो हम पहुंचे बेंडिंग बैम्बूस, जहाँ पे हमने बहुत लजीज डिनर किया। नमस्ते सैंडी, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? आई एम गुड। आर यू एक्साइटेड अबाउट द डिनर? आई एम। तो आपके यहाँ गोवा में कोई चाय पीता है शाम को? बिल्कुल नहीं पीता। नहीं, पहले होंगे ना चाय पीने वाले? उड़ा लो मेरा मजाक। हाँ, सुबह भी कोई नहीं पीता। यहाँ पे 10-11 साल हो गए। अच्छा, 10-11 साल हो गए आपको यहाँ पे, मतलब पसंद ही होगा गोवा तभी आप यहाँ पे? अभी पसंद ही, पसंद ही आ गया। परिवार कहाँ पे? वहाँ पे, वहीं पे। अच्छा, खाली अभी बीबी इधर ही है। अच्छा, यहाँ पे वाइफ है। आप यहाँ पे कितने टाइम से? काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, मतलब आपको भी पसंद होगा? हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, आपका फैमिली कहाँ पे? वहाँ पे हिमाचल में ही है। अच्छा, हिमाचल में ही है, बहुत बढ़िया।
मिलके अच्छा लगा। आपका नाम? गोपाल। गोपाल, थैंक यू। चलिए मिलते हैं जल्दी। ऑलराइट, सो हम आज फाइनली पहुंच गए। रास्ते बहुत ख़राब थे, बीएमडब्ल्यू की हालत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम पहुंच गए। रास्ते का एक्सपीरियंस तो आप जानते ही हैं, उबड़ खाबड़, थोड़े अच्छे, थोड़े टेढ़े, थोड़े मेढ़े, पर हम फाइनली पहुंच गए, अच्छा लगा। डे वन है, यहाँ पे बताया जाता है कि शॉप्स यहाँ पे मोस्टली खुले हैं 11 बजे तक, तो खुले हैं 11 तक, कुछ सो सही। हम क्या, हमको रात को 11 बजे टैटू करवाना है आपके लिए। आप टैटू करवाएंगे जी? आप टैटू करवाएंगे रात के 11 बजे? ये तो काजू का शॉप है, हो सकता है। कहाँ मिलेगा? आई डोंट थिंक यहाँ मिलेगा। आज दिन थोड़ा आगे ट्राई करते हैं, आगे मिल जाएगा। किसी से पूछना है आपको, बट आई थिंक इधर रात के 11 बजे किस चीज की तलाश कर रहे हैं? बताओ क्या ढूंढने वाले हैं आप लोग, को बताइए। आप बताइए रात के 11 बजे किस चीज की तलाश कर रहे हैं? आप सोचिए, बताइए ना क्या ढूंढ रहे हैं हम। आई थिंक आपको मिल जाएगा। हाँ, आई फील मिल जाएगा, सही जगह आए हैं हम। सैंडी को चाहिए क्या? कोकोनट ऑयल। यस यस, कोकोनट ऑयल, या दैट्स राइट, ट्रू। मम्मी जी भी साथ आई हैं क्या? मम्मी जी भी साथ आई हैं। नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। पर एक सेकंड के लिए मुझे लगा जी, आपको ऐसा लगा? मुझे ऐसा। चलिए तो अभी हम कोकोनट ऑयल लेते हैं और फिर हम चलते हैं। चलो तो एक बड़ा ही ले लें।